Yes, very warm good morning. Already we have just discussed about question number 1 to question number 8. Today we are starting with question number 9, two particulars. So children, kindly copy it down in the notebook as a practice purpose as well as the class exercise. Yes, good morning students. Already we have just solved out question number 1 to question number 8. Today we are starting with question number 9, that calculate the average atomic mass of chlorine. क्लोरीन के दो आइसोटॉप है, आप देख सकते हैं इधर क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। अब वो नेचर में कितने परसेंटेज से मिलते हैं, वो है 75.77, दैट इज क्लोरीन 35। और जो क्लोरीन 37 आइसोटॉप है वो मिलता है 24.23। अब मोलर मास देखें तो क्लोरीन 35 का मोलर मास है 34.97 एंड जो भी 37 क्लोरीन 37 का मास है 37.97। आई हैव राउंड अप दिस फिगर। तो फ्रैक्शनल एब्डेनेंस क्या हुआ, तो फ्रैक्शनल एब्डेनेंस क्लोरीन का जो भी हुआ वो परसेंटेज, ये जस्ट मल्टीप्लाइंग द डिवाइडिंग बाय द 100, तो मुझे वैल्यू मिली है 0.7577 और 37 क्लोरीन 37 की जो वैल्यू मिली है मुझे 0.242। मोलर मास ऑलरेडी वी हैव रिटन एट 34.97 एंड 36.97। अब एवरेज एटॉमिक मास ढूंढने का फॉर्मूला जो है वो है फ्रैक्शनल परसेंटेज, व्हाट एवर द फ्रैक्शनल एवरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर आइसोटॉप इनटू एटॉमिक और मोलर मास ऑफ दैट आइसोटॉप प्लस सेकेंड फ्रैक्शनल एवरेंस ऑफ द सेकेंड आइसोटॉप एंड द एटॉमिक और मोलर मास। सो ये व्हाट एवर द पर्टिकुलर वैल्यू विच वी आर राउंड फिगर, तो व्हाट एवर द मल्टीप्लीकेशन, व्हाट एवर द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर टू आइसोटॉप वन अंडर इज 26.50, यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड द सेकेंड वन इज 8.9। तो हमें जो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास मिला है 35.5, जो क्लोरीन का एक्चुअल में एटॉमिक मास है 35.5। सो डेट इज क्वेश्चन नंबर 9 विच यू हैव द आइडिया डैट हाउ वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे ढूंढेंगे, तो एवरेज एटॉमिक मास के लिए जो भी फ्रैक्शनल एविडेंस है और जो भी मोलर मास है उसका मल्टीप्लीकेशन प्लस उसका अगर दूसरा आइसोटॉप है तो उसका अगेन फ्रैक्शनल एविडेंस एंड द एटॉमिक मास और मोलर मास। दैट मीन्स वी आर जस्ट मल्टीप्लाइड बोथ ऑफ द वैल्यू, फ्रैक्शनल एविडेंस एंड मोलर मास प्लस। अगर तीसरा है तो तीसरा भी हम इधर ऐड कर सकते हैं, पर क्लोरीन के दो ही आइसोटॉप है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द मोल्स। एक मोल की बात करते हो तो डेट इज इक्वल टू एटॉमिक मास एंड डेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डेट इज एवोगैड्रो नंबर, डेट इज 6.022×10⁻²। यहाँ पे पूछा गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, एक मोल जो भी कार्बन इथेन का मॉलिक्यूल है, इथेन का फॉर्मूला है C2H6। इथेन इज द सेकेंड फैमिली मेंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऑलरेडी वी हैव लर्न इन 10 क्लास। अगर 2 आता है डेट मीन्स वो हाइड्रोकार्बन फैमिली का सेकेंड मेंबर है, जो ईथ प्रेफिक्स से यूज होता है और अल्केन है इसलिए इथेन। अब इथेन की बात करते हैं तो एक मोल में उसके पास दो कार्बन है, यहाँ पे देखो दो एटम्स ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे पूछा गया कि वी हैव टू फाइंड आउट इन थ्री मोल्स ऑफ कार्बन में कितने होंगे। सो व्हाट वी आर डूइंग इज 3×C2H6। सो 3×2=6 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन 3 मोल ऑफ इथेन मॉलिक्यूल एंड 6×3=18 एटम्स इन 18 हाइड्रोजन एटम्स इन 3 मोल्स ऑफ कार्बन। उसी तरह दूसरा पूछा गया कि अगर एक मोल इथेन के पास 6 मोल हाइड्रोजन है या तो 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, सो 3 मोल्स के पास कितने होंगे। ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड दैट इज 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। यू कैन सी हियर दैट इज 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, हमने अभी रिलेशन देखा है कि एक मोल जब भी हो तो डेट इज इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर Na, दैट मीन्स द वैल्यू इज 6.022×10⁻²³ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। सो व्हाट अबाउट 3 मोल्स ऑफ इथेन, 3 मोल्स ऑफ इथेन कंटेन 3×6.022×10⁻³ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। सो दैट इज इक्वल टू 6×3=18, 0×2=6, 3×2=6, 6, सो 18.066×10⁻²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। So that is about the question number 10. So we have to find out the 3 moles of ethane. In 3 moles, 1 mole mein agar 2 hai, toh 3 mole mein kitne? So 3×2=6. 1 mole mein 6 hydrogen hai, toh 3 mole mein kitne? 6×3=18.
एक मोल मॉलिक्यूल ऑफ इथेन, वन मोल ऑफ इथेन कंटेन दिस मच ऑफ मॉलिक्यूल्स, देन व्हाट अबाउट थ्री, सो वी आर मल्टी क्रॉस मल्टीप्लाई द वैल्यू, 6 3s are 18.066 × 10^23. सो दैट इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 11 इज दे रिलेटेड विथ कंसनट्रेशन. कंसनट्रेशन की अगर बात करते हैं तो हम ढूंढ सकते हैं मोलारिटी, मोलारिटी से, पार्ट्स पर मिलियन से, मास परसेंटेज से. तो यहाँ पे जो भी कंसनट्रेशन सुगर का है, यहाँ पे जो फार्मूला हमें दिख रहा है C12H22O11, दैट इज ऑफ सुगर. तो यहाँ पे बताया गया है कि 20 ग्राम ऑफ सुगर अगर डिजॉल्व हो रही है तो उसका जो फाइनल वॉल्यूम 2 लीटर बनाना है. तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द मोलारिटी. सबसे पहले हम ढूंढेंगे मोलर मास ऑफ सुगर. सुगर का अगर मुझे मोलर मास ढूंढना है तो चिल्ड्रन मैंने टॉक्ड अबाउट सुगर. सो सुगर कंटेन 12 कार्बन एटम एंड उसका एटॉमिक मास है 12. सो 12 × 12 प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे 22 है, तो 22 हाइड्रोजन एटम्स इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 प्लस यहाँ पे 11 जो भी है ऑक्सीजन एटम्स है, तो 11 एंड 16 इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. सो वी हैव टोटल 342 ग्राम पर मोल दैट इज ऑफ सुगर. नाउ मोलर कंसनट्रेशन, मोलर कंसनट्रेशन और मोलारिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स इंटू अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू इन लीटर. यहाँ पे हमारे पास कहीं पे भी नंबर ऑफ मोल्स है नहीं, बट हमारे पास गिवन मास है और मोलर मास है. तो हम गिवन मास और मोलर मास का यूज़ करके क्या ढूंढेंगे, नंबर ऑफ मोल्स. दैट नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सुगर अपॉन मोलर मास ऑफ सुगर. यहाँ पे गिवन मास सुगर का कितना दिया है, 20. सो व्हाट वी आर डूइंग इज 20 दैट इज द गिवन मास अपॉन 342 दैट इज द मोलर मास ऑफ सुगर. तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ मोल मिल गए 0.0585. चिल्ड्रन यू कैन राउंड फिगर दिस वैल्यू बाई 0.06 बिकॉज 8 इज द डिजिट विच इज मोर देन 5. सो यू कैन राइट दैट 0.06 टू मेक द कैलकुलेशन ईजियर. सो मोलारिटी क्या हो गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुगर अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. यहाँ पे देखो तो जो वॉल्यूम दिया गया है वो कितना है, 2 लीटर. यू कैन सी हियर दैट 2 लीटर. सो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल गए 0.0585/2. ओके, अगर यहाँ पे मैं 0.06/2 लिखूंगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 0.03. यहाँ पे वॉट एवर द वैल्यू, टू मेक द कैलकुलेशन ईजियर यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ दैट 0.05 दैट इज नियर बाई 0.06. तो यहाँ पे क्या होगा, वी आर मेकिंग द सोल्यूशन मोर ईजियर. तो यहाँ पे मुझे इसको भी सिमिलरली आप लिख सकते हो 0.03 मोलर, या तो हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर इन मोल्स. ठीक है, सो दैट इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 11. नाउ वी आर जस्ट मूविंग द क्वेश्चन नंबर 12. यू कैन सी थरोली मैंने मोलर मास ढूंढा है वेरी फर्स्ट स्टेप. देन मोलर कंसनट्रेशन के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए. यहाँ पे कहीं पे भी नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, बट यस गिवन मास दिया हुआ है और हमने मोलर मास ढूंढा है तो हम नंबर ऑफ मोल्स ढूंढेंगे. तो मैंने थर्ड स्टेप में देखा कि नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपन मोलर मास, जिससे मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल गए 0.0585. से अगर मैं फिगर आउट करती हूँ तो मुझे मिलेगी वैल्यू 0.06. अब मोलारिटी है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. सो जो मुझे उसका यूनिट मिल गया नंबर ऑफ मोल अपॉन लीटर, सो मोल पर लीटर, या तो आप लिख सकते हो कैपिटल एम. सो डेट इज द क्वेश्चन नंबर 11. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में वी टॉक्ड अबाउट डेंसिटी दी गई है इधर मिथेनॉल की 0.793 kg/L इन मोल्स. व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 molar solution. चलो यहाँ पे देखें तो एक सोल्यूशन प्रिपेयर्ड है और दूसरा हमें बनाना है. दैट्स वाई व्हाट वी आर यूजिंग द फॉर्मूला M1V1, दैट इज द सोल्यूशन विच इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, एंड M2V2 दैट वी हैव टू प्रिपेयर. ओके, सबसे पहले हम ढूंढेंगे मिथेनॉल. मिथेनॉल इज द वेरी फर्स्ट फैमिली मेम्बर ऑफ अल्कोहल फैमिली. ये अल्कोहल फैमिली का सबसे पहला मेम्बर है, फर्स्ट फैमिली मेम्बर. अल्कोहल C12 3+1 4 हाइड्रोजन एंड 16 ऑक्सीजन. तो मुझे इसका मास मिल गया 32 ग्राम पर मोल. यहाँ पे केजी यूनिट है तो हम क्या करेंगे, 32 अपॉन 1000 दैट इज 0.032 किलोग्राम पर मोल इन मोल्स. अब मोलारिटी, मोलारिटी के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स. चलो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. तो नंबर ऑफ मोल को मैं लिखूंगी गिवन मास अपॉन मोलर मास. यस, नंबर ऑफ मोल इज व्हाट, गिवन मास अपॉन मोलर मास.
अपॉन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज देयर टेकन इन लीटर. अब गिवन मास मोलर मास है, तो यहाँ पे देखो गिवन मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास पर वॉल्यूम दैट इज नथिंग बट वी आर राइटिंग एज अ डेंसिटी. हम जो भी डेंसिटी लिखते हैं उसका लिखेंगे मास पर वॉल्यूम. सो यहाँ पे मुझे डेंसिटी अपॉन मोलर मास, तो यहाँ पे ऑलरेडी डेंसिटी इज गिवन दैट इज 0.793 किलोग्राम पर लीटर. सो 0.793 किलोग्राम पर लीटर इनवर्स अपॉन द मोलर मास विच वी हैव 0.032 किलोग्राम पर मोल. सो केजी केजी इज गोइंग टू बी कट, मोल इनवर्स है तो मोल ऊपर चले जाएगा, लीटर नीचे आएगा. सो इसका जो भी हम वॉट आर द वैल्यू विच वी आर गेटिंग दैट इज 24.78 इनटू दैट इज वॉट आर द वॉल्यूम यूनिट इज गिवन दैट इज मोल पर लीटर और यू कैन राइट कैपिटल एम. इसका यूज करके हमें एक सॉल्यूशन जो ऑलरेडी प्रिपेयर है और दूसरा जो हम बनाने वाले हैं, ऑलरेडी प्रिपेयर है वो सॉल्यूशन की मोलारिटी मुझे मिली है 24.78. अब मुझे वॉल्यूम यूज़ करना है, कितना वॉल्यूम यूज़ करेंगे इवन वी हैव टू फाइंड आउट वेर मोलारिटी ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन विच वी हैव टू प्रिपेयर दैट इज गिवन दैट इज 0.25 मोल मोलर. इट मीन 0.25 मोल इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है V2 दैट इज 2.5 लीटर. सो यहाँ पे मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, इसकी वैल्यू हम नीचे डालेंगे तो हमें मिलेगा 24.78 व्हेन वी विल टॉक अबाउट. अगर ये निकाल देते तो V1 का जो भी फॉर्मूला हो जाएगा जिससे मुझे वैल्यू मिलेगी 0.07 मिली लीटर. सो दैट इज समवॉट ट्रिकी क्वेश्चन चिल्ड्रन. अगर डेंसिटी देते हैं तो डेंसिटी से हाउ वी कैन फाइंड आउट द मोलारिटी, तो डेंसिटी जो भी है दैट इज नथिंग बट मास पर वॉल्यूम. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोलारिटी का फॉर्मूला लिखेंगे जो लिखा है गिवन मास अपॉन मोलर मास. इट इज़ फॉर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. अब नंबर ऑफ मोल्स से मुझे मिला गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो मास पर वॉल्यूम वो क्या हो गया, डेंसिटी. तो मैं मोलारिटी का दूसरा फॉर्मूला क्या लिख सकती हूँ, डेंसिटी अपॉन मोलर मास. सो डेंसिटी ऑलरेडी इट इज गिवन ओवर हियर दैट इज 0.793 किलोग्राम पर लीटर. तो यहाँ पे मैंने लिखा है 0.793 किलोग्राम पर लीटर. उसका जो भी मुझे मोलर मास मिला है वो है 0.032 किलोग्राम पर मोल. मुझे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो डेंसिटी है वो किलोग्राम में है. सो व्हाट आई हैव डन, केजी केजी विच इज गोइंग टू बी कट, मोल इनवर्स में तो मोल ऊपर चला जाएगा, लीटर नीचे आएगा. तो मुझे जो मोलारिटी मिल रही है वो होगी 24.78 दैट इज नियर बाई 25 मोल पर लीटर और यू कैन राइट कैपिटल एम. फर्स्ट सॉल्यूशन इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, सेकेंड वी हैव टू प्रिपेयर आउट. सो वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूला M1V1 इज इक्वल टू M2V2. वी टू फाइंड आउट V1, सो V1 इज गोइंग टू बी फाइंड आउट बाई M2V2 अपॉन M1. सो वॉट एवर द वैल्यू वी हैव वी आर जस्ट गोइंग टू इंसर्ट द वैल्यू एंड वी आर गेटिंग द आंसर फॉर द क्वेश्चन. सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. यू कैन सी योर डेंसिटी इज गिवन, नो मोलारिटी, नो मोल इज गोइंग टू बी गिवन. यू टू फाइंड इट आउट बाय द यूज ऑफ density. This is the one note which you have to. Question number 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 and 31 are cancelled due to the excluded syllabus. Question number 23 and 24 which are related with limiting reagent already we have discussed in the explanation part. Here question number 30, 32, 34, 35, they are the self-practice questions. So you just sort out at home. I'll just send the solution in the next upcoming lecture. So this is the note regarding the cancelled questions, the questions which already we have discussed and the question which you have to do by yourself as a self-practice purpose. So kindly note it down. Now we'll move to question number 17. This is the last question for today. Now the last question for today. Well, it is related with drinking water. It is containing or contaminated with chloroform. Chloroform is carcinogenic, that means it is one which causes cancer in nature. The level of contamination was 15 parts per million. PPM stands for parts per million by mass. So what we have to do? We have to express that particular in the percentage by mass. So parts per million, that indicating that 15 parts present in the millions. Million is 10 raised to 6 parts. So the percentage by mass is equal to 15 upon the whatever the million part, that is 10 raised to 6 into 100.
So we have the value that is 15 into 10 raised to minus 3 percent. Now the second what we have to find out about the molarity. Molality. We have to find out the molality. Molality is what? Number of moles upon the solvent in 1 kilogram. 1 kilogram solvent we have to take. So molar mass of chloroform CHCl3 that is 12 plus 1 plus 3 into 35.5. So we are having the value that is 119.5 gram per mole. The 100 gram of the sample contain 1.5 into 10 raised to minus 3 gram. Here that is 1.5 into 10 raised to minus 3 gram. So what about 1000 gram? What about 1 kilogram? So that contain 1.5 into 10 raised to minus 2 gram. Now molality is what? Given mass upon molar mass into the solvent in 1 kilogram or 1000 gram. So what is the given mass? Given mass is 1.5 into 10 raised to minus 2. Molar mass already we have calculated, it is 119.5 into whatever the solvent in kg or gram, that is 1000 gram. So the value which we are getting, the molality which we are getting, that is 1.26 into 10 raised to minus 4 mole. So this is the last question for today. In the next video, we'll just continue with the remaining question of their particular chapter. Thank you.